आज रामपुर उन्नीशैतपुर रक्षिया के घाट पर नाव डूब गई है जिसमें कई लोग लापता है। ये नाव निकालते हुए कौन कूदा है सालों से ना इस पर पुल बनाया गया है ना नाव की कोई व्यवस्था है। अब इस घटना के बारे में क्या जानते हैं? बहुत दिन से जानते हैं कि ये यहाँ सालों साल बाढ़ आता है। हर साल आती है बाढ़। बाढ़ आता है, हम लोग का आना जाना भीतर से 3 किलोमीटर की दूरी है बांध, वहाँ से आते हैं और हम लोगों का नाव ही सेवा है। अब बराबर ही हर एक साल नाव दुर्घटना होबे करता है, दूसरा मेरा कोई साधन नहीं है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मधौर सीमान में पुल बना है, वहाँ से आने के लिए हम लोग रक्षिया ग्रामीण से आने के लिए हमको 5 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे जाएंगे? घास भूसा माल मवेशी हैं, खेत पथार है, हम लोग कैसे जाएंगे? इसमें शासन प्रशासन का भी कोई मदद कभी नहीं किया? कुछ मदद प्रशासन करते हैं, आते हैं और देख के चले। जब भी दुर्घटना होते हैं तो वो आते हैं और दुर्घटना को देख देते हैं कि या नाव मंगवा देते हैं, कुछ नहीं आता है हम लोग का। और ऐसे ही चल रहा है लगातार? ऐसे ही लगातार चल रहा है, कभी प्राइवेट नाव दे देते हैं, कभी परमाना बना देते हैं। लेकिन पुल का कोई उचित व्यवस्था नहीं होता? कोई उचित व्यवस्था नहीं है, सरकार कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आज का घटना क्या हुई है? आज की घटना है जो एक लोहा की ही नाव था, वो नाव पलट गया, उसमें 7 आदमी सवार थे, 6 आदमी निकल गया, एक उसी में बह गया। एक आदमी का पता नहीं, मतलब वो डूब गया? डूब गया। चलिए ठीक है। इसमें अभी तक शासन ने किसी को डेड बॉडी ढूंढने के लिए उतारा नहीं है? अभी तक किसी के डेड बॉडी ढूंढने के लिए कोई प्रशासन नहीं उतारे हैं, बोल रहे हैं जो 1/2 घंटा के अंदर में आ रहे हैं। हम लोग 2 बजे से, अच्छा 2 बजे से या 3:30 हो रहा है, अभी तक प्रशासन का कोई सुविधा नहीं मिला है। चलिए ठीक है, इन बातों को ऊपर तक उठाया जाएगा सोशल मीडिया के द्वारा। तो पूरा पक्का है कि ना है? किसी को ना पता लगा। पहले का सचिव